हेलो स्टूडेंट, मैं कैसी हूँ? आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कन्नौज के मौखरी वंश को देखेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक ही ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो देखने में बनाने में ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो छोटे छोटे वीडियो ही यहाँ पे किए जाएंगे। तो यहाँ पर कन्नौज के मौखरी वंश, इससे पहले हमने देखा था हूणों का आक्रमण, हूणों के आक्रमण और बल्लवी के मैत्रक। तो आज हम कन्नौज के मौखरी देखेंगे। मौखरी शब्द का वर्णन जो है सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। असीरगढ़ मुद्रा लेख, जैनपुर मस्जिद लेख एवं बड़वा यूप अभिलेख, यानी जो कि कोटा का है, से भी मौखरी वंश की जानकारी हमें मिलती है। एक तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिल जाती है, उसके अलावा अगर हम साहित्य को छोड़ के अगर हम अभिलेखों की बात करें तो असीरगढ़ मुद्रा लेख, जौनगढ़ मस्जिद लेख और बड़वा यूप जो कि कोटा में है, अभिलेख से हमें मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश की स्थापना हरिवर्मा ने किया था। तो हरिवर्मा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, छोटे छोटे जो वंश बीच में आ जाते हैं उनके संस्थापक बहुत जो है एग्जाम में आता है, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो UGC नेट हो। तो इस वंश की, कन्नौज के मौखरी वंश की स्थापना किसने की थी? हरिवर्मा ने की थी। हरिवर्मा के बाद क्रमशः आदित्य आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा शासक हुए। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा 554 ईस्वी के आसपास इस वंश का ईशान वर्मा ये बीच वाला शक्तिशाली शासक हुआ। मौखरी मूलतया गया के निवासी थे। ईशान वर्मा के बाद सर्व वर्मा, अवंती वर्मा व ग्रह वर्मा क्या हुए? शासक हुए। ग्रह वर्मा द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे। उसने थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से विवाह किया। ग्रह वर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त ने मार डाला। तो ग्रह वर्मा जो है द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे। इसने थानेश्वर प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से विवाह किया था ग्रह वर्मा, और ये ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है, फिर राजश्री क्या करने लग जाती है? आत्महत्या करने लग जाती है। तो ये जो है ग्रह वर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त ने मार डाला था। हरहा अभिलेख की चर्चा है यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में है, मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। हरहा अभिलेख की खोज 1915 में NHN शास्त्री ने की थी। हरहा अभिलेख ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने उत्कीर्ण करवाया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये हरहा अभिलेख जो है, ये भी मौखरी वंश से संबंधित जानकारी हमें देता है, और किसकी? ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने ये जो है उत्कीर्ण करवाया था हरहा अभिलेख। मालवा व मगध के पारवर्ती गुप्त उत्तरवंशी वंश, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ही है। तो पारवर्ती गुप्तों की जानकारी के शोर्स जो है अफसर का लेख यह लेख आदित्य सेन, यह बिहार के गया जिले के अफसरगढ़ नामक स्थान से मिलता है, जिसमें उत्तर गुप्त के आदित्य सेन तक के 8 शासकों का इतिहास वर्णित है। इसमें उत्तर गुप्त और मौखरी शासकों के पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन किया गया है। देववर्धन, देव नारक शाहबाद आरा बिहार का लेख है। यह लेख जो है जीवित गुप्त द्वितीय का है। इस लेख से भी उत्तर गुप्त वंश के 3 शासकों की जानकारी मिलती है। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक जो है कृष्ण गुप्त था, जिसका समय जो है 510 से लेकर 525 तक का था। आगे देखते हैं, इस वंश का शासन केंद्र मगध और मालवा था। मगध और मालवा इस शासन का केंद्र थे, मतलब उत्तर गुप्त। तीसरे शासक जीवित गुप्त प्रथम को चूड़ामणि राजाओं की सिरमौर कहा गया। कुमार गुप्त उत्तर गुप्त का
प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका मौखरी ईशान वर्मा से संघर्ष हुआ था। अफसर लेख के अनुसार कुमार गुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर लिया था, मतलब आग में ये जल गए थे, ये बताता है अफसर लेख। महासेन गुप्त प्रमुख पार्वती गुप्त शासक था। हर्षवर्धन की दादी महासेन गुप्त की बहन थी। महासेन गुप्त तो हर्षवर्धन की जो दादी है वो जो उत्तर गुप्त हैं उनसे संबंधित थी। महासेन गुप्त को कलचुरी नरेश शंकरगढ़ ने मार डाला था। महासेन गुप्त का बड़ा पुत्र जो है देवगुप्त था, उसने हर्षवर्धन के बहनोई गृहमर्मा द्वितीय की हत्या कर दी थी। महासेन गुप्त ने बड़े पुत्र देवगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। महासेन गुप्त के दो पुत्र कुमार गुप्त तथा माधव गुप्त वर्धन दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन का बचपन इन दोनों राजकुमारों व ममेरे भाई भंगी के साथ बीता था। आगे चलकर हर्ष ने माधव गुप्त को माधव का शासक बनाया। माधव गुप्त की मृत्यु के बाद आदित्य सेन मगध का शासक बना। उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, ये मंदर अभिलेख में हमें मिलता है। चीनी यात्री वान हुएंग सेन ने भी 3 बार यात्रा की और 2 बार की यात्रा आदित्य सेन के शासक काल में की थी। और कोरिया का बौद्ध यात्री हुई लून भी आया था। जीवित बुद्ध द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो मालवा के जो गुप्त थे ये उनकी एक कहानी है। मालवा और मगध के पार्वती या उत्तर गुप्त की हम बात करें तो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते भी नहीं है कि हमारे जो गुप्त साम्राज्य है उसके बाद भी क्या कुछ साम्राज्य बचा होगा, चला होगा। हम लास्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि नहीं खत्म हो जाता है। वैसे ही मौर्यों के समय में भी था कि मौर्यों का जो शासन है वो चलता रहा, वो भी छठवीं शताब्दी तक भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे राजवंश बचे रह गए, अब जो सवाल बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं वो अब यहीं से पूछने लग गए हैं। इसलिए ये सब गुप्तों का तो किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा, प्रशासन भी सभी बता देंगे, लेकिन इन सब चीजों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हम अक्सर इसको छोड़ दिया करते हैं। अब हम देखते हैं बंगाल के गौड़ों की बात कर लेते हैं और फिर हम पुष्यभूति थानेश्वर के पुष्यभूति वंश को जो है हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो शशांक प्रमुख गौड़ शासक था। हर्षवर्धन ने उसकी शत्रुता थी। तो शशांक जो है बंगाल के गौड़ों का प्रमुख शक्तिशाली था और हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक होता है इनका बहुत ही ज्यादा शत्रु होती है, दुश्मन होती है। शशांक जो है बौद्धों का विरोधी था। उसने गया में बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में क्या करवा दिया था, फेंकवा दिया था। शशांक कट्टर शैव था। उसके सिक्कों पर शिव एवं नंदी की आकृतियां मिलती हैं। वेन सांग शशांक को काचे चांग कहता है तथा इसे कर्ण सुवर्ण का शासक बताता है। बाण भट्ट इसे गौण का राजा बताता है। कर्ण सुवर्ण शशांक की राजधानी थी। शशांक द्वारा नष्ट किए गए बोधि वृक्ष एवं बौद्ध स्मारकों का पुनरुद्धार पूर्ण वर्मा ने कराया था। वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। तो शशांक ने तो यहाँ पर जो है बोधि वृक्ष को कटवा के फिकवा देते हैं एवं बौद्ध स्मारकों का पुनरुद्धार पूर्ण वर्मा ने किया करवा दिया और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो अपने चौथी पीढ़ी का है। तो ये था कुछ बंगाल के गौड़ों का हाल। अब यहाँ से जो है एक वर्धन वंश बड़ा वंश स्टार्ट होगा, इसलिए इसको एक वीडियो में रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और ज्वाइन बटन भी आप कर सकते हैं, इससे हमको जो है आर्थिक मदद मिल सकती है। तो
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।